bit a mouse, cause I'm an albatross. तो भाई लोग कैसे हो? तो भाई मैं अभी अभी जस्ट कॉलेज से आया हूँ और भाई देखा रॉयल पास आ चुका है, नया सीजन आ चुका है। तो भाई हम थोड़े लेट हैं, बट भाई हम हैं भाई, कंफर्म है। तो भाई इस सीजन सोलो एफ में बूमबा होने वाला है। अभी तक मैंने एक मैच नहीं खेला और रैंक रैंकिंग चल रही है, बट भाई खेलूंगा तो जरूर। और अभी भाई जस्ट इस वीडियो बनाने के बाद, अपलोड करने के बाद, तो भाई सोलो एफ की लॉबी में तुम्हें मिलूंगा। और भाई रात को लाइव स्ट्रीम होगी तो पता ही होगा तुम्हें। तो भाई यहाँ पे देखो, मैं जैसे गेम खोलता हूँ यहाँ पे आता है रॉयल पास की बकचोदी, फिर यहाँ पे सीजन C1S1 में जो कॉन्कर पहुंचा था उसके रिवॉर्ड्स, कुछ सिल्वर और यहाँ पे एक अच्छा सा टाइटल, और भाई क्या ही प्यारा सा खतरनाक सा भाई कॉन्कर एंट्री इफेक्ट। माँ कसम भाई, देख रहे हो क्या कॉन्कर एंट्री इफेक्ट है ये, और टाइटल भाई क्या ही लग रहा है कसम से। भाई जब मैंने पहली बार मतलब C1S1 की स्टार्टिंग में जब देखा था ना ये फ्रेम, सच्ची बोलूँ उल्टी हुई थी, इतनी तट्टी फ्रेम। अगर मैं यूट्यूबर ना होता मैं रैंक पुश ना करता, बट अब देखो भाई क्या ही फ्रेम मॉडिफाई हुई है कसम से भाई, ये फ्रेम ऑर्गेज्म दे देती है भाई, बोलना पड़ेगा ना चाहते हुए भी भाई, कतई सेक्सी सेक्स ओपी लग रही है। तो भाई बहुत खतरनाक फ्रेम है ये, बहुत खतरनाक टाइटल लग रहा है भाई। टाइटल देखो कितना बड़ा सा मिथिक्स है भाई, क्या ही फ्रेम, तो भाई उम्मीद नहीं थी इतनी बेस्ट लग रही है भाई, क्या ही फ्रेम लग रही है। और यहाँ पे अगर तुम अवतार वो लगा दोगे जो कॉन्क्रेट पहुँचने के पैक, क्या बोलते हैं उसे, इस मास्टर में जो भी अवतार मिलता है वो लगा दोगे भाई, कतई जहर लग रहा है। माँ कसम भाई, दिल जीत लिया उसने कसम से भाई, प्यार हो गया भाई। तो भाई बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे तो। तो भाई तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? अब देखो भाई मैं यहाँ पे अवतार लगाता हूँ, अपनी फ्रेम लगाता हूँ C1S1 की कॉन्कर की, टर्टल लगाता हूँ, और जो इफेक्ट होता है जो भी नाम के नीचे होता है टैग जो भी बोले उसे वो लगाता हूँ। क्या ही आईडी लग रही है भाई, ये होती है रियल कॉन्कर की आईडी C1S1। तो भाई जिस बंदे ने भी कॉन्कर किया था वो इसका भाई फील लो, और जो जो नहीं कर पाए थे इस सीज़न भाई छीन लो। यहाँ पे मैं कुछ दिखाना जो चाहता नहीं हूँ, नया सीज़न आ चुका है, रैंक पुश स्टार्ट हो चुकी है, बंदे धीरे धीरे रैंक बढ़ा रहे हैं और भाई जल्दी से जल्दी कंपटीशन बढ़ रहा है। तो भाई तुम्हें रैंक पुश की टिप यही है, जल्दी से शुरू करो भाई, मेरी तरह क्यों लटके पड़े हो, तुम्हारा कॉलेज होता है क्या, जल्दी करो रैंक पुश। मैं कॉलेज था, मैं तो भाई लेट था, अब मैं कभी कह सकता हूँ भाई, कॉलेज से जस्ट आया, खाना खाया, वीडियो बना रहा हूँ, और इसके बाद तुरंत रैंक पुश मैं मिलूंगा तुम्हें। तो भाई अब कर भी कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, फिर रात में दूसरी वीडियो बनाऊंगा डे वन वाली, फिर उसके बाद लाइव स्ट्रीम करूंगा, फिर रात में फिर बूम बम, फिर से प्लस। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी जल्दी से जल्दी रैंक पुश करूँ, बंदे बोल रहे हैं, बंदे क्या है, एक बंदे नहीं बोला मेरे सामने भाई हैकर मिला था मुझे, मैं क्या ही बोलूँ भाई, देखते हैं भाई, अगर मुझे मिला तो ठीक है पिट जाएगा मेरे से हैकर पिट जाएगा, बट किसी और को मिला तो तुम भाई संभाल के, मैं भी संभाल के रहूँगा, उसको नहीं पेलूँगा तो छोड़ दूंगा। तो भाई देखो जल्दी से जल्दी शुरू करो, ज़्यादा टाइम मत खींचो और जल्दी कर लो भाई। और जिसमें कर रहे हो ना, एग्जांपल तुम डुओ में कर रहे हो तो डुओ में ही करो, सीजन के मिड में चेंज मत करना, इतना बता दे रहा हूँ, किसी हाल में नहीं हो पाएगा। अगर तुमने सीजन के मिड में सोलो एफपीपी में आए तो किसी हाल में नहीं हो पाएगा, जिसमें कर रहे हो स्टार्टिंग से करो, सीजन के एंड तक ले जाओ आराम से कर लो। और जो यहाँ पे एक नया ग्लिच आया था भाई, क्या बोलूँ भाई, ये ग्लिच नहीं जन्नत है मेरे लिए। मेरे इतने समय से 5800 अचीवमेंट पॉइंट थे, मेरे अचीवमेंट पॉइंट बढ़ ही नहीं रहते, मतलब अचीवमेंट ही नहीं बहुत कम आती थी, कहाँ से बढ़ते थे, और हम रैंक पुशर लोग हैं, रैंक पुश करते हैं, अचीवमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ये भाई लॉजिक है। बट भाई हर एक अचीवमेंट जो पहले हुई थी वो वापस के उसके रिवार्ड मिल रहे हैं भाई, इससे चाहता जन्नत क्या होगी भाई, भगवान मेहरबान है भाई। मैं रॉयल पास के ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहा क्योंकि रॉयल पास से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक सा रॉयल पास है, ओम की स्किन भी है, QBZ की स्किन भी है, और एक और स्किन है M16 की शायद, बहुत बढ़िया स्किन है, कपड़े के ज़्यादा अच्छे नहीं लगे मुझे सच्चे बोलूँ तो, बट गन स्किन बहुत ओपी है, और इससे मतलब रॉयल पास भी ठीक ठाक था, इतना तारीफ के काबिल भी नहीं है, इतनी बुराई के भी काबिल नहीं है, पर तो बढ़िया रॉयल पास है। बट भाई क्या बोलूँ भाई, सीजन का जो ये रिवार्ड्स है ना, इन्होंने भाई पूरी लाइन लाइट ली भाई, कसम से बोलूँ क्या ही प्यार लग रहा है। और भाई यहाँ पे जो भी अचीवमेंट पॉइंट थे उनको मैं दोबारा कलेक्ट कर लेता हूँ, और इस वीडियो को तुम एंड तक देखो, और देखो भाई जो जो मेरी अचीवमेंट हो चुकी थी वो सारे के सारे रिवार्ड मुझे मिल रहे हैं। तो भाई इससे अच्छी बात क्या होगी भाई, ये जो C1S1 था हैकर के मामले में टट्टी था, BGMI हैकर के मामले में टट्टी है, बट रिवार्ड भाई OP है यार, ये भाई ना चाहते हुए बोलना पड़ेगा, रिवार्ड तो OP है। चलो भाई बढ़िया है, ये सीजन C1S2 मैं यही प्रार्थना करूंगा, ये यही दुआ करूंगा, ये यही मनोकामनाएं करूंगा कि हैकर ना आए, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए भाई, हैकर ना आए तो कॉन्कर भाई अपने हाथों में है। तो भाई इस वीडियो को इतना ही, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है कि मैं कौन कौन से अचीवमेंट हो रखे हैं, कैसे कैसे मैं रिवार्ड कलेक्ट किए हैं, तो भाई पूरी वीडियो देखो और एंड तक देखो भाई। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, या रैंक पुश आप रात में करोगे, रात में रैंक पुश मतलब कहाँ तक पहुँचे हो, टायर कैसा चल रहा है, कितने हैकर मिले, लॉबी कैसी आ रही है, भाई सब के सब जो भी इन्फॉर्मेशन है तुम्हारी मुझे चाहिए कमेंट में हम दोनों के बीच की बात है, कमेंट करके बताओ भाई क्या चल रहा है, तो हम भी जाने क्या चल रहा है। तो भाई आपको वीडियो अच्छी लगी ड्रॉप लाइक सब्सक्राइब, बाय गाइस।
चलो मिलते हैं भाई रात की लाइव स्ट्रीम में, बाय गाइस। और लाइव स्ट्रीम के वाले चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में होगा, उस पर जाओ सब्सक्राइब करो। तो बाय गाइस।